सुबह के 6:55 हुए हैं और मैं पहुंच गया हूं पठानकोट बस स्टैंड पे। तो अब देखते हैं आज मुझे कौन बस मिलती है। तो ये यहां पर आज भी मनाली बस ही लगी हुई है, मनाली पठानकोट चंबा। ये आज भी मुझे मनाली चंबा ही मिली है। इधर बैठा हो कोई? पठानकोट से मुझे मनाली चंबा बस मिली थी और 7:15 बस स्टैंड से बस निकली और 11:30 पर मुझे सरू में बस में उतारा है। अब मैं यहां से दूसरी गाड़ी लेके जाऊंगा चंबा। 12:30 हो चुके हैं और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चंबा, क्योंकि मेरे कागज अभी तक पूरे नहीं बने हैं और उनको बनाने के लिए हम जा रहे हैं चंबा और उन कागज को बना के हम जाएंगे स्कूल में। 12:20 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं चंबा में, जहां पर थोड़ा तहसील में डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट लेने हैं हॉस्पिटल से। तो अब देखते हैं हमारा यहां पर कितना टाइम लगता है। 8:44 हुए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं चंबा से घर की ओर। खाना वगैरह खाते और जो हॉस्टल के लिए जो भी सामान चाहिए था वो खींचते खींचते चंबा में काफ़ी टाइम लग गया और 5:15 हुए हैं और अब हम पहुँच गए हैं आकर अपने गाँव में। तो आज आया हूँ मैं घर में और कल जाएंगे बच्चे को नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए। और आज सुबह से लेकर शाम तक जो है ये बिल्कुल अच्छा मौसम रहा और बिल्कुल अच्छी तेज़ धूप निकली हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी सपोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।